फरीदाबाद में दिन दहाड़े शाम को 6 से ज्यादा गोलियां मारकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामला एसडीएम नगर फरीदाबाद के ए ब्लॉक का है। इस तक सट्टे का कारोबार करता था। मृतक के भाई के अनुसार शाम को 3 लोग मृतक से मिलने उसके घर पहुंचे थे। उस वक्त वह कहीं जाने के लिए निकल रहा था। उसने देखा कि वह उसके छोटे भाई प्रवीण मित्तल के साथ हाथ मिलाकर गले मिल रहे हैं। उसके बाद वह घर के अंदर चले गए जहाँ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी पी। मृतक के भाई ने बताया कि इस दौरान वह घर से किसी काम के लिए निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन आया कि जो लोग उससे मिलने आए थे वह प्रवीण को गोलियां मारकर भाग गए हैं। उसने बताया कि हत्यारों ने उसके भाई को गले, पेट, छाती और कंधे पर 6 से ज़्यादा गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोई सामने से 3 लड़के आए हैं, उनके साथ उसने हाथ वाथ मिलाया और उसके बाद वो अंदर कमरे में चले गए। मैंने सोचा कोई यार दोस्त होंगे, मैं अपना वाइफ के साथ गाँव के लिए निकल गया। इतने में थोड़ी सी दूरी पहुंचा था, मैं 5 नंबर तक पहुंचा था, 2-3 किलोमीटर। इतने में पता लगा, घर से फ़ोन आया कि वो 3 लड़के जो आए थे वो गोली मार के चले गए हैं भाई को। तो उन्होंने 6-7 गोली मार रखी थी इसको। 7 गोली ऑन द स्पॉट मार दी। कितने लोग आए थे लगभग? 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, कैसे, बाइक से आए थे या कैसे? ये नहीं पता मैंने। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।